Good morning, students. Today we are starting with the last unit in biology, that is human physiology. And the chapter that we are starting is chapter 22, chemical coordination and integration. So basically, there are two systems that help in control and coordination of our body. हमारी body में दो systems ऐसे होते हैं जो control और coordination में help करते हैं. कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मसल के बीच में, ऑर्गन्स के बीच में और ग्लैंड्स जो भी हमारी बॉडी में होते हैं एक्सेट्रा, इन सब के बीच में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है जो ये दो सिस्टम्स हेल्प करते हैं. फर्स्ट इज द नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज बाय केमिकल्स दैट आर ऑल्सो नोन एज हॉर्मोन्स. द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन. मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ गया, इसमें रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क आ गया, सेंसरी रिसेप्टर्स, प्रोसेसिंग, सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा, ये सारा नर्वस सिस्टम में आता है. जो केमिकल्स होते हैं जिनको हम हॉर्मोन्स बोलते हैं, वो सिक्रीट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ओके, हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं. अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स अलग अलग स्पेसिफिक हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं. सो बेसिकली हम इस चैप्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से हॉर्मोन्स सिक्रीट करती है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मिलाकर हम एंडोक्राइन सिस्टम भी बोल सकते हैं. अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है या ग्लैंड्स जो होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड हेटरोक्राइन. सपोज एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने कोई हार्मोन सिक्रीट किया तो वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं, डायरेक्टली पोर करते हैं ब्लड में. उस हार्मोन के सिक्रीशन के लिए उनको किसी भी ट्यूब या डक्ट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में सिक्रीशन डक्ट के थ्रू होता है. अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ने कोई भी हार्मोन सिक्रीट किया है तो वो पहले ब्लड में नहीं जाएगा, वो पहले किसी डक्ट में जाएगा या किसी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर में जाएगा. और जो हेटरोक्राइन है वो एंडोक्राइन की तरह भी एक्ट करते हैं और एक्सोक्राइन की तरह भी एक्ट करते हैं. उसका सिक्रीशन डक्टलेस भी होता है और डक्ट के थ्रू भी होता है. तो हेटरोक्राइन का एक पार्ट एंडोक्राइन होता है और दूसरा पार्ट एक्सोक्राइन. एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल है थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड. इनमें जो भी सिक्रीट होते हैं हॉर्मोन्स वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होते हैं, इनको किसी ट्यूब या डक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल्स हैं सलाइवरी ग्लैंड्स और लिवर. लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, आपको पता है, तो वो बाइल जूस जो होता है वो किसी डक्ट के थ्रू सिक्रीट होता है, वो बिना डक्ट के डायरेक्टली ब्लड में या किसी और ऑर्गन में सिक्रीट नहीं हो सकता. उसको सिक्रीट होने के लिए डक्ट या फिर ट्यूब की ज़रूरत होती है. ऐसे ही सलाइवरी ग्लैंड्स भी हैं. हेटरोक्राइन ग्लैंड्स जो कि दोनों की तरह एक्ट करते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, इनमें जो एंडोक्राइन है उसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पेनक्रियास के आइलेट ऑफ लैंग्रोहेंस का. पेनक्रियास का एक पार्ट होता है जो कि इंसुलिन सिक्रीट करता है, तो ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होते हैं इंसुलिन, इनके लिए कोई डक्ट या ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं. पेनक्रियास का एक और पार्ट होता है जो कि एक्सोक्राइन की तरह हैक करता है, जिसको हम एक्यूनल सेल्स भी बोलते हैं. एक्यूनल सेल्स पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करते हैं और ये जूसेस डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट नहीं होते हैं, इन जूसेस को सिक्रीट होने के लिए डक्ट या ट्यूब की ज़रूरत होती है. पेनक्रियास के अलावा इसके दूसरे एग्जाम्पल्स हम टेस्टिस और ओवरीज ले सकते हैं. टेस्टिस जो होती हैं उनमें एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन, ओके, जो हार्मोन है. और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है टेस्टिस का. क्लियर है इतना? अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं जिनको हम केमिकल मैसेंजर्स भी बोलते हैं.
लेकिन ये केमिकल मैसेंजर्स एक्चुअल में केमिकल है, जो हॉर्मोन्स है वो केमिकल है, बस वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। सो हॉर्मोन्स एक ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? हमारी बॉडी में अगर कोई रिएक्शन होना हो फॉर एग्जांपल, तो उसको स्टिम्युलेट भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं और उसको इनहिबिट भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन कराने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल्स या बहुत ज़्यादा हॉर्मोन्स की ज़रूरत हो। बहुत छोटा अमाउंट भी वर्क कर देता है, अगर छोटा सा हॉर्मोन भी प्रेजेंट है उस जगह तो वो रिएक्शन सक्सेसफुली पूरा होता है या सक्सेसफुली रुक भी सकते हैं। सबसे पहला जो हार्मोन डिस्कवर हुआ था उसका नाम था सिक्रेटीन। द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड वॉज सिक्रेटीन। किसने डिस्कवर किया था? बेलेस और स्टार्लिंग ने। बेलेस और स्टार्लिंग में से जो स्टार्लिंग साइंटिस्ट थे उन्होंने टर्म दी थी इन केमिकल्स को हार्मोन्स। हार्मोन जो वर्ड है वो डिराइव हुआ था हॉर्मेन वर्ड से, जिसको स्पेल करें तो होता है HORMAEIN। इसका मतलब होता है टू एक्साइट। तो हार्मोन किसी भी एक्टिविटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं एक्साइट होकर, और उनको इनहिबिट भी कर सकते हैं। फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था उसको तो हमने बोला सिक्रेटीन, लेकिन जो फर्स्ट हार्मोन आइसोलेट हुआ था उसको हम बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन सबसे पहले आइसोलेट किया गया, और जिन साइंटिस्ट ने इसको आइसोलेट किया उनका नाम था बेंटिंग एंड मैकलियोड। डॉग्स के पैनक्रियास में से इंसुलिन को आइसोलेट किया गया था। सो द फर्स्ट हार्मोन विच वॉज आइसोलेटेड इज नोन एज इंसुलिन, एंड इट वॉज आइसोलेटेड बाई बेंटिंग एंड मैकलियोड फ्रॉम द पैनक्रियास ऑफ डॉग्स। क्लियर है? So this is the basic idea of hormones. In the next video, we will talk about the properties of hormones.